सर अगर आप यहाँ पे विड्रॉएबल अमाउंट देखें तो वो कितनी है जनाब, $125, और उसके बाद कैश आउट दैट इज ऑलरेडी बीन टेकन और वो कितना आ रहा है जी 191, और टोटल अर्निंग्स कितनी है 316, और ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, आप प्रॉपरली यहाँ इंटरफेस देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आपने रियल ऑनलाइन अर्निंग सीखनी है तो वो इंशाल्लाह आपको इसी चैनल से ही मिलेगी। सर अगर आप गूगल सर्च अच्छी कर लेते हैं तो आज का ये काम आपके लिए दी बेस्ट है। सर ये काम मैं उन लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं या अपने दफ्तर के टाइम के बाद थोड़ा बहुत टाइम दे के अर्निंग को जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ सर मैंने अपना ये इंटरफेस आपको दिखाया है जिसके ऊपर आपने अर्निंग्स को देखा। अब ये वेबसाइट है, इसका नाम है जी माइंड सुमो, इसके ऊपर आपने काम क्या करना है जरा समझ लीजिए। यहाँ आते हैं चैलेंजेस, यहाँ आते हैं क्वेश्चंस जिनको आपने सर्च करके या रिसर्च करके आपने यहाँ पे सबमिट करना होता है। अब जरा इस बात को समझ लीजिएगा कि ये सिनेरियो क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो डेवलप कंट्री है वो अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर और टैलेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपनी केस स्टडी के लिए पूरी दुनिया से यंग टैलेंट से एडवाइस लेने के लिए या उनकी सजेशंस लेने के लिए अपना एक क्वेश्चन पुट करते हैं, और उस क्वेश्चन के बदले वो इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो आपको दे सकते हैं कि आपकी वो सोच है। बात को समझ गए, प्रॉपरली आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप ये सारा काम कैसे कर सकते हैं। आज के इस जदीद दौर के अंदर आप बड़े अच्छे से इस काम को संभाल सकते हैं और कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। यहाँ ऊपर आपके पास चैलेंजेस का ऑप्शन भी आ रहा है और सॉल्यूशन का ऑप्शन भी आ रहा है। हम यहाँ पे सर चैलेंजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस जो है वो मौजूद हैं जो हमें कितनी इनकम दे सकते हैं। अगर सर आप यहाँ पे देखें तो आपको दो चीजें जो है वो मेन नजर आएंगी, एक आ रहा है जी एक्टिव और एक आ रहा है जी रिव्यूइंग। अब आपका जो कंसर्न होगा वो एक्टिव के साथ कंसर्न होना चाहिए, यानी उनके ऊपर आपने काम करना है जिनका स्टेटस क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इस स्टेटस को ओपन करता हूँ, पहले जरा इसका क्वेश्चन पढ़िएगा। अब यहाँ जरा क्वेश्चन देखिएगा, वो पूछ रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंगेजमेंट और अपने कस्टमर के साथ अपनी मोहब्बत को कैसे बढ़ा सकती है। बात समझ गए, तो इसके बारे में आपने आइडियाज अपने शेयर करने हैं। गूगल सर्च के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। जस्ट मैं इसे क्लिक करके सर ओपन करता हूं तो जनाब आपके सामने इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो ओपन हो जाती है। अब सारी डिमांड क्या है वो टोटल यहां पे मेंशन है। अब थोड़ा सा नीचे आइएगा, अब आपने जो डिलीवर करना है वो भी यहां पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि भाई आपने ये काम करना है। अगर आपने उसका एडिशनल मटेरियल रीड आउट करना है तो उसके लिए यहां पे आपको PDF गिवन है। इतना सिंपल सा काम है लेकिन आपकी डेडिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पे देखें तो आपको जो इसके बदले अमाउंट मिल रही है वो कितनी है, $1600 की अमाउंट है। अब ये भी कैटेगराइज्ड है, ये टोटल अमाउंट एक ही बंदे को नहीं मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी इस चीज को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सर अपने आंसर को क्रिएट कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, ये तो आप आगे सीख ही लेंगे कि जिन लोगों ने आंसर सबमिट किए हुए हैं उनमें से जो टॉप 10 लोग हैं सर वो $1000 जो है उनको शेयर करेगी कंपनी, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो अगले 15% को $400 है और उसके अगले 25% को जो है वो $200 जो है वो डिलीवर किया जाएगा, यानी कंपनी जो है वो इस तरीके कार से अपनी अमाउंट को डिलीवर कर रही है। अब मैं एक दफा रिपीट करता हूं जरा समझिएगा, $1600 टोटल है और $1000 जो है वो टॉप 10 लोगों को, और देन जो है सर $400 15% को और फिर $200 जो है वो अगले 25% को। यानी अगर आपको $400 भी मिल जाते हैं फर्स्ट कैटेगरी में आने पे तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने लाख रकम जो है वो बन सकती है, या बिल फर्ज आपको $100 भी मिल जाता है तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि वो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। जो काम आप देखेंगे यकीनन आपको लगेगा कि ये बहुत मामूली सा आसान सा काम है। बड़ी डिटेल, बड़े प्यार और बहुत मोहब्बत के साथ मैं आपको काम सिखाता हूँ। जहाँ कोई दिक्कत आए वहाँ पे आपने कमेंट करके पूछ लेना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, इंटरनेट के ऊपर काम किए बगैर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे बस चलते फिरते डॉलर्स होते हैं और
वापस हम अकाउंट बना लें और डॉलर जो है वो गिरने लगते हैं, सर ऐसा हरगिज नहीं होता। और खुदा के लिए अपने रास्ते को क्लियर करें, अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको काम सीखना ही पड़ेगा। किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करें, लेकिन काम को सीख के प्रॉपरली आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। अब सर इसके ऊपर अकाउंट बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वेबसाइट से। यहाँ पे आपको जो डिटेल देनी पड़ती है वो बहुत एहतियात से जो है वो आपको डिलीवर करनी पड़ेगी। आपका नाम, ईमेल, पासवर्ड, बेसिक डिटेल है, ये आपने फिलअप कर देनी है और उसके बाद अपना जेंडर फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे चीज जो है वो समझने वाली है कि आप रेस जो है वो कौन सी में शामिल होना चाह रहे हैं। यहाँ इसको 5 से 6 तरीकों से सब कैटेगराइज किया हुआ है। आप देख सकते हैं जी, व्हाइट है, ब्लैक एंड अफ्रीकन है, और उसके बाद यहाँ पे इंडियन वाला पोर्शन भी है। तो आप जो भी यहाँ पे रेस अपनी चूज करना चाह रहे हैं, रेस से मुराद ये है कि आप जो भी अपना एरिया चूज करना चाह रहे हैं, यानी जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपने कंटेंट को सजेस्ट करना है। अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान या नेबरिंग कंट्री से हैं, यानी एशिया में हैं, तो आप एशिया ही चूज करें ताकि आप जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रह के यहाँ पे काम कर सके। वैसे आप किस कंट्री से हैं कॉमेंट करके ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है, अगर तो आप इसका आंसर देना चाह रहे हैं तो वेल, नहीं तो प्रेफर नॉट टू से आप कह सकते हैं। लोकेशन के लिए आपने यहाँ पे अपने कंट्री को चूज कर लेना है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर आप अपने लोकेशन को चूज कर सकते हैं। और एजुकेशनल लेवल में आपने मेंशन करना है, मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है जी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, यानी किस शोबे के अंदर आप महारत रखते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट हर तरह का शोबा जो है वो मौजूद है। अगर आप आंसर नहीं देना चाह रहे तो प्रेफर नॉट टू से आप कह सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से अपनी फील्ड को चूज कर सकते हैं। देन सर आपके पास ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पे अपने ऑक्यूपेशन को चूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सर 3 मेन टैब्स हैं, इसमें आपके पास क्रिएटिविटी स्किल्स जो है इसको आपने बताना है जी आपकी क्रिएटिविटी स्किल जो है वो कैसी है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेता हूँ, आप इनको देख लीजिएगा। देन मार्केटिंग स्किल्स भी आपने बताना है, और उसके बाद टेक्निकल स्किल्स आपने बताना है कि उनका आपका क्या लेवल है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस के ये 3 चेक हैं, आप इनको स्टडी करके सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा को फिल कीजिए, रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर दबा दीजिए। ले सर माइंड सुमो के ऊपर हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका। हम प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को फर्दर देख भी सकते हैं। यहाँ अगर आप अपनी इनकम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे करंट इनकम जो है वो सारी दिखाई देंगी। अब यहाँ सर आपका क्वेश्चन ये होगा कि माइंड सोमो आपको विड्रॉ कैसे देता है। तो भाई साहब, माइंड सोमो आपको पेपाल के अंदर विड्रॉ देता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इधर आप अपना पेपाल अकाउंट जो है वो लगा सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपका पेपाल अकाउंट नहीं बना, तो आप यूट्यूब से देख के या मेरे चैनल से देख के अपना पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी पेपाल को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कैसे, सारा तरीकेकार आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, इस बात की टेंशन नहीं ले रही। अब यहाँ सर मैं एक्टिव चैलेंजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ आपके सामने वो सारे के सारे चैलेंजेस आ जाएंगे जिनसे आप जो है वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आपको याद होगा पीछे मैं इसके हवाले से बात करके आया हूँ। अब आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को हमने उठा लेना है। क्वेश्चन क्या है जी, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने सर्च करना है फ्रॉम गूगल आर फ्रॉम एनी AI टूल जो आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 बेहतरीन तरीके का आपको बताऊंगा जो आपकी इनकम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो भाई साहब आपने यहाँ गूगल में आके इसको पेस्ट करना है और एंटर का बटन दबाना है। अब आपके सामने यहाँ पे इसने 8 तरीके बता दिए। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं जो ऊपर ही आई है, तो ये आपको सर इसके प्रॉपर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन एक बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि मैं जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले स्टडी कर रहा था कि माइंड सोमो के ऊपर काम करने के लिए लोग तरीकेकार क्या सिखा रहे हैं, तो हमारे जो यूट्यूबर्स भाई हैं मेजॉरिटी ने यही बताया कि यहाँ से आपने कॉपी करना है और उधर जाके पेस्ट कर देना है। भाई साहब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, माजरत के साथ ऐसा हरगिज नहीं होगा, काम नहीं चलेगा ऐसे। बट आपने करना क्या है वो आपको रियल तरीकेकार बता रहा हूँ, आपको कोई ऐसा जुगाड़ू मेथड नहीं बता रहा जिससे आपका जस्ट वक्त जाया होगा। रियल तरीके से काम करेंगे तो सर आप बेटर कमाएंगे। अगर यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना होता तो जिसका क्वेश्चन था वो अपने किसी मुलाजम को लगा के पूरी वेबसाइट्स को स्क्रॉल कर लेता और लोगों को $1,600 बांटने की बजाय उस एक बंदे को $100 भी दे देता, तो उसका काम बेटर चल सकता था। आप जब अपने दिमाग से सोचेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन अर्निंग क्या चीज है। तो यहाँ से जस्ट आपने लेना है आइडिया, आइडिया लेके आपने इसको खुद से क्रिएट करना, मॉडिफाई करना,
देन यू हैव टू सबमिट ऑन माइंड सोमो, राइट। ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। कॉपी पेस्ट की ऑप्शन यूज करने के बाद आपका वक्त जाया हो, मेरे सब्सक्राइबर होने की वजह से मुझे हर चीज ये कबूल नहीं है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझ लिया, इसको अपने पास किसी जगह पे सेव कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देन आप इसके अकॉर्डिंगली जो है वो राइट डाउन कर लीजिए और सर वेबसाइट के ऊपर जाके सबमिट करवा दीजिए। दूसरा तरीका है सर आप चैट जीपीटी को यूज कर लें, इसके अंदर आके पेस्ट करें, चैट जीपीटी जनाब धड़ाधड़ आपको जो है वो कंटेंट लिख के दे देगा। दूसरा तरीके का ये है कि सर आप चैट जीपीटी में आ जाएं, यहाँ पे अपने टॉपिक को पुट करें और एंटर का बटन दबाएं, ये आपके लिए जो है वो बड़ा अच्छा कंटेंट लिख देगा। लेकिन मेरी बात यहाँ पे भी वही है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको जस्ट आइडिया लेना है, आइडिया लेके मॉडिफाई करना है, देन यू हैव टू सबमिट ऑन माइंडसोमो और यही आपका अर्निंग का रियल तरीकेकार होगा। अब सर फाइनल बात कि आपने अपना ड्राफ्ट तैयार लिया, जो आइडिया जो चैलेंज आपने लिया था उसका आपने प्रॉपर सॉल्यूशन रेजोल्यूशन निकाल लिया है, आपने अपना आंसर सबमिट करवाना है, तो आई हैव एन आइडिया स्टार्ट ड्राफ्टिंग, इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट करवा देना है। सर सबमिट होने के बाद टाइम इलैप्स होने पे कंपनी इसको रिव्यू करती है, उसके बाद फिर ग्रेडिंग होती है। आप ग्रेड 1 में आते हैं, 2 में आते हैं या 3 में आते हैं, तीनों ग्रेड्स का मैंने आपको सिखाया है। किसी ग्रेड में भी आने के बाद आपकी जो इनकम है उस हिसाब से आपको डिलीवर की जाती है। विदड्रॉ का तरीकेकार भी आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सर आपको कोई भी चीज पूछनी हो आपने हरगिज परेशान नहीं होना, यूट्यूब कमेंट में आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये रिक्वेस्ट भी है और पब्लिक मैसेज भी है कि आपने अपनी जिंदगी में कम से कम 2 पौधे लाजमी लगाने हैं, जिनको दरख्त बनने तक आपने उनकी देखभाल भी करनी है। पौधा लगाने से कदावर दरख्त बनने तक 6 साल का टाइम लगता है। हमसे पहलों ने दरख्त या पौधे लगाए जिनसे हम आज सांस ले रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेटर करें। आज की इस दुनिया में जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ऑलरेडी पौधे लगा दिए कमेंट में यस लिख दे, नहीं तो अपना प्रॉमिस बता दें कि आप कब तक लगाएंगे। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।